सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में, हमारी 12 वीक्स 12 ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज़ में। और आज हम जा रहे हैं हमारे एर्थ ज्योतिर्लिंग, जो कि है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं अभी इस समय हूँ नासिक पुणे हाईवे पे। लेट मी शो यू, नासिक इधर पुणे। और यहाँ पे जस्ट मैं अभी कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए रुका हूँ। और जहाँ हम रहे हैं अपनी एक सेल्फ ड्राइव कार जो कि हमने रेंट करी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड यस, वेलकम टू माय व्लॉग। शी इज गोइंग टू अकंपनी मी टू दी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। मिस दिव्या आनंद चकल्लस खरीदा जा रहा है। और वड़ा पाव ऐसे वो अनिवार्य, वो जैसे बाकी जगह स्टेपल फूड होता है ना, दाल चावल राइस, वैसे महाराष्ट्र में अपन ने स्टेपल फूड बना लिया है इसको, वड़ा पाव को। जहाँ रुक रहे हैं वड़ा पाव तो ले ही ले रहे हैं। अब भाई साहब वड़ा पाव ऐसे, मतलब वड़ा एंड पाव बनाना खुद है, सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। बट एक दिक्कत ये है ना कि जैसे जो भी हम आउटर एरिया में जहाँ पे भी खा रहे हैं ना, तो ऐसे वो जो मसाला वसाला मिलता है ना, वो नहीं मिल रहा भाई साहब। और नॉर्मल बस वड़ा और पाव मिल जा रहा है, मिर्चा मिल जा रहा है मैक्स टू मैक्स, मसाला नहीं मिल रहा है। मैंने वो बहुत शिकायत है। एंड द अदर थिंग व्हाट वी हैविंग इज मेंडू वड़ा पता नहीं कौन सा। अरे मैडम चाय फैला दी है भाई साहब। चल ठीक है, ठीक तो है ही, ठीक है, उससे बेटर है, अच्छी होना चाहिए, अच्छी है, लेकिन मेरे को मन नहीं और मन नहीं। आई लव इट। कौन सी चाय के लिए? भैया बताएंगे अभी आपको। कौन सी चाय है, कहाँ गिरी है, कहाँ है चाय? देखो ऐसी काटती लड़कियाँ, ऐसे हल्की सी, वो तो एक बूंद गिरी है। तो चकल्लस वाले सामान थे वो उठा लिया हमने, थोड़ा सा ऐसे पेट पूजा भी कर ली है। अब गाड़ी रुकेगी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भाई मैं कंफ्यूज बहुत हूँ ना, पता है, जब से महाराष्ट्र आया हूँ त्र्यंबकेश्वर में तो नहीं, बट ये घृष्णेश्वर और भीमशंकर में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। गाड़ी जल चुकी होगी, ज़्यादा नहीं हुई है, ठंड मतलब गर्म भी नहीं है, हाँ मतलब गर्म नहीं हुई है, हाँ। लेकिन ठंडी भी नहीं है। और गाड़ी जो है हमारे पास, दिखाया जैसे मैंने आपको, मारुति सुजुकी बलेनो CNG वेरिएंट है भाई साहब। आ जाओ, एक मैंने वीडियो भी डाली है अभी इसके माइलेज टेस्ट की CNG के, विच केम अराउंड 34 किलोमीटर्स पर kg। वो वीडियो भी आप चेकआउट करना, बट इस वीडियो के बाद। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर जर्नी टू भीमाशंकर। नज़ारे अच्छे हैं भाई साहब, ये देखिए, बस नज़ारे ही अच्छे हैं, मौसम नहीं अच्छा है। अप्रैल का महीना, 36 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी भरपूर और हम चूर। श्री क्षेत्र भीमाशंकर लांडेवाड़ी। तो एक्सप्रेसवे का साथ छूट चुका है, अब आ चुके हैं हम एक सिंगल रोड पर। या लेट्स कंटिन्यू। गर्मी भाई साहब 38 हो गया टेम्परेचर, और मैंने साहब सुना है कि इसमें कुछ तो ऐसे सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ भी चढ़ के जाना होता है, पता नहीं कैसे ही हो पाएगा, करना तो पड़ेगा, देखते हैं कैसे करते हैं। चीज ऐसे एनर्जी थोड़ी सी वो रीगेन कर रही है। ये लिखा हुआ है भीमाशंकर 59 किलोमीटर, हिंदी में लिखा था। इतना कैसे भरोसा कर ले रहे हैं ये लोग कि आज भी लोग हिंदी में लिखे हुए लेटर्स समझ जाएंगे, हाई होप्स। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे महाराष्ट्र में, मतलब ये देखो भाई बहुत छोटा सा ब्रेकर है, ठीक है, बहुत छोटा सा, और उसके लिए लोग इतना धीरे से निकालते हैं ना गाड़ी, मतलब एकदम ऐसे करके ऐसे। भाई इतने पे तो अपन क्लच भी नहीं दे पाते, ब्रेक तो छोड़ दो। और भाई उसके लिए मतलब ऐसे लाइन लग जाती है भाई 5-6 गाड़ियों की, और पीछे लगे हुए सारी गाड़ियाँ उतनी ही स्पीड से निकालती हैं। तो कुछ ज़्यादा ही स्नेह, मतलब कुछ ज़्यादा ही अति स्नेह मतलब गाड़ियों से। भाई साहब रास्ता काफ़ी प्यारा है, मतलब से है हम महाराष्ट्र में, लेकिन बढ़िया ऐसे हिमाचल वाली वाइब दे रहे हैं। हाँ फ्लैट बहुत ज़्यादा है, बट भाई साहब मज़े आ रहे हैं, थोड़ी सी ऐसे हिमाचल वाली
सही भाई साहब मुझे है मतलब ये मैं महाराष्ट्र में तीसरा ज्योतिर्लिंग है तो जिसके मैं दर्शन कर रहा हूँ और यहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब रास्ता तो इसी का सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। अब वो बात अलग है कि ऐसे पहाड़ ज़्यादा पसंद है तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट जो भी है ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने बहुत देर से सोच रहा था कि यार ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे कोई पर्ची क्यों नहीं काट रहा है, पैसे क्यों नहीं काट रहा है। तो यस अराउंड लगभग 6.5 किलोमीटर पहले एक 50 रुपये की पर्ची कटी है। ओ भाई साहब 50 रुपये की एक पर्ची जो कि हमसे लिए गए 50 रुपये, मन नहीं था देने का लेकिन दे दिया। तो अब बात कर लेते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पहुँचने का रास्ता, पहुँचने के रास्ते क्या क्या हैं। तो तीनों रूट से आप पुणे तक आ सकते हैं। पुणे इज़ द नियरेस्ट नो इनहैबिटेड सिटी जिसमें अच्छे से आपको सारे कम्यूट्स मिल जाएंगे। तो द फर्स्ट वन इज़ आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस, कहीं से भी आप पुणे पहुँचिए। एंड उसके बाद आपको या तो बस ले सकते हैं आप या फिर प्राइवेट या फिर शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं। आपको आना होगा पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड पर। शिवाजी नगर बस स्टैंड से आपको बसेस मिल जाएंगी, टैक्सीज मिल जाएंगी और ऑटो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो नहीं चलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी, अराउंड 2300 से 2500 फीट की हाइट पे है ये मंदिर। हाँ आने के लिए तो ठीक है, सुबह आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग से आपको वहाँ से बसेस मिल जाएंगी, बट वापसी के लिए जो लास्ट बस यहाँ से जाती है वापसी के लिए वो शाम को 5 बजे सरकारी वाली। प्राइवेट वाली हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए और प्राइवेट वाली का किराया भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करके आ रहे हैं तब तो बात ही अलग है, फिर तो यू हैव द टाइम, यू आर द ओनर ऑफ योर टाइम। और मेरी तरह अगर आपको सेल्फ ड्राइव लेके आना है तो वो भी आप पुणे से कर सकते हैं, मुंबई से कर सकते हैं अगर आपको पुणे के लिए कुछ वो फ्रीक्वेंसी आपके स्टेट से आपकी सिटी से नहीं है उतनी ज़्यादा तो आप पुणे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी मुंबई से। और मुंबई की फ़्लाइट्स मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सस्ती मिल जाएंगी आपको। पुणे से ये अराउंड 120 किलोमीटर्स है, 110 टू 120 किलोमीटर्स। मुंबई से आपको मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 250 किलोमीटर होगा ये एटलीस्ट। तो वो चीज़ आप देख लीजिए कि आपको मतलब ना पुणे से जर्नी स्टार्ट करनी है या फिर मुंबई से। और भी जो पास की सिटीज़ हैं नासिक, औरंगाबाद, संभाजी नगर, देन शिरडी। शिरडी भी यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर होगा। आसपास की जगह भी आप कवर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। भाई साहब रास्ता जंगलों उंगलों के बीच होते हुए, जंगल और पहाड़। अरे गुड मॉर्निंग हो गई इनकी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 350 सीढ़ियां चलने के लिए तैयार या उतरने का? अभी तो उतरना पड़ेगा, वापसी में दिक्कत होगी, उल्टा दिक्कत है। अरे हाँ इनके पैर में चोटे लगे, मतलब ऐसे घायल हैं ये इनके तलवे में और कहाँ पे ये पैर में स्प्रेन आया हुआ है, तलवे में चोट है। देखते हैं वापस आ पाते हैं या नहीं कैसे आ पाते हैं, आ तो जाएंगे कैसे आ पाते हैं। Shall we? Yeah. Let's go. कर ही लेंगे, हाँ कर ही लेंगे यार। नेटवर्क नहीं आ रहा? आ रहा है। तुम्हारा नेट वर्क नहीं कर रहा है यार। देखो माना ऐसे दहेज में गाड़ी दी गई है, हमने दीदी की शादी थी, जीजा को हमने दहेज में गाड़ी दी है, ऐसे नाम कौन लिखता है यहाँ पे इतना ऑब्वियस क्यों करना सर ये है मंदिर का रास्ता। तो ये पैदल चलने वाला रास्ता है, सीढ़ियों वाला जो रास्ता है वो बगल में है उधर, और उस पर शायद अभी तो कुछ तो काम चल रहा है, शेड का काम चल रहा है कुछ तो है, उस पर अभी वो बंद है। काफ़ी भीड़ है भाई, बहुत मतलब गाड़ियाँ देख के तो मुझे लग गया भाई साहब कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और अगर दर्शन में बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो मूड ख़राब होगा, टाइम ख़राब होगा। वो है रास्ता सीढ़ियों वाला, आई सपोज वो है मंदिर, सॉरी वो वहाँ पे जहाँ वैसे बता रहा हूँ ये है मंदिर। तो भाई साहब दर्शन करके बताता हूँ कहानी थोड़ी सी अलग सी।
जाह्नवी पे दर्शन सामने ही है, वो स्क्रीन सामने शीशा अंदर। तो हो गए दर्शन हमारे। ये है कंपाउंड, ये है मेन मंदिर। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है, कुछ तो यहाँ पे बन रहा है भाई साहब, और बहुत ही सटीक कुछ तो बनने की प्रोसेस में है। तो भाई साहब ये जो आप लाइन देख रहे हैं काफ़ी दूर तक है, और इस लाइन को स्किप करके हम गए थे भाई साहब, पैसे लेके गया था मैं दर्शन करने, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और टाइम की थोड़ी सी ऐसे किल्लत है हमारे पास, क्योंकि रात के 1 बजे फ्लाइट है मुंबई से, और हम हैं अराउंड 250 किलोमीटर दूर मुंबई से, तो 5 घंटे का सफ़र तय करना है, इसलिए हमें वो रास्ता चूज़ करना पड़ा। एंड ऑन द वे वी आर हैविंग स्वीट कॉर्न दोने में। सही है भाई, ये तो 30 रुपये का, 30 रुपये का। एंड थोड़ा चिकन की एज़ वेल। एंड भाई साहब द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स, वापस की चढ़ाई। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर दी कहानी। जो कुंभकर्ण था उसका जो बेटा था उसका नाम भीम था, तो वो जब पैदा होता है उसकी मृत्यु हुई जब कुंभकर्ण की डेथ हुई, और जब उसकी डेथ हुई कुछ साल बाद उसने पूछा अपनी माँ से कि मेरे पिताजी कौन है और वो साथ में क्यों नहीं रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुंभकर्ण जो था उनको राम जी ने मार दिया था, और इसलिए हम मतलब वो पिताजी हमारे साथ नहीं रहते। तो फिर उसने फिर ठाना कि मैं बदला लूँगा, और राम जी जैसे विष्णु के अवतार थे, तो फिर उन्होंने जो कुंभकर्ण का बेटा था भीम, उसने ब्रह्मा जी की अर्चना शुरू करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उसने ब्रह्मा जी से अवतार मांगा कि मेरे को मतलब सबसे ताकतवर बना दो, मुझसे कोई जीत ना पाए। वरदान उनको मिला, और फिर उसको इतनी ज़्यादा ताकत मिल गई कि वो उसने सारे देवी देवता सबको हराया और सबके सबकी शक्तियाँ छीन ली। फिर सारे देवी देवता मिल के गए हु एल्स देन महादेव, और उन्होंने फिर उसको उसका वध किया, और फिर सारे देवी देवताओं ने शिव जी से यू नो रिक्वेस्ट करा कि आप यहाँ पे आके बसिए, यहीं पे रहिए। तब से यहाँ पे शिवलिंग है, और भीम शंकर के नाम से ये जगह जानी जाती है। तो अब चलते हैं वापस मुंबई। सो ऑन आवर वे बैक टू मुंबई हम रुके हैं एक छोटे से व्यू पॉइंट जहाँ से हमें दिख रहा है एक डैम, डिम्भे डैम, डिम्भे नाम है इसका। और ये डिम्भे डैम व्यू पॉइंट जला हुआ है थोड़ा व्यू पॉइंट, बट यही है। हवा बहुत सही चलती है, बहुत ही जगह चल रही है, धीमे रहना पे उड़ मत जाना तुम। तो और जो जगह है यहाँ पे विजिट करने के लिए हैं जब आप भीम शंकर आएंगे, तो भीमा नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पे, जहाँ से वो नदी स्टार्ट होती है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी जगह है आसपास में पहाड़ी पे, बट वही है टाइम की कमी है हमारे पास, और मेरा मेन फोकस था ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, तो वो हम करके अब जा रहे हैं। अब रात हो रही है तो कुछ खास होगा नहीं मेरे को आपको दिखाने के लिए, तो ये वीडियो एंड करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, कमेंट करिए अपने थॉट्स एंड क्वेश्चंस, मैं ज़रूर उनको आंसर करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले ज्योतिर्लिंग के साथ। हाँ बाल सही कर लीजिए आप। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ, पता नहीं कौन कौन होगा, हो सकता है ये भी हो सकता है कोई ना हो, लेट अस सी। बाय 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 बाय। तो भाई साहब इस 2 दिन से कम की ट्रिप में हमने कवर किया है 1117 किलोमीटर। नाउ फाइनली साइनिंग ऑफ, बाय बाय।